टेक्नोलॉजी में पार्टिसिपेट हिस्सेदारी भी ले सकते हैं। ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम से चलता है, इसका पूरा जो बेस है वो है ब्लॉकचेन। विदाउट ब्लॉकचेन वेब थ्री टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगा, और इसीलिए जैसे विदाउट इंटरनेट वेब टू कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे विदाउट ब्लॉकचेन वेब थ्री का कोई वैल्यू नहीं है। और ब्लॉकचेन, एआई, डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल, ये सारे वेब थ्री टेक्नोलॉजी का ये है। आज धीरे धीरे अगर मैं बात करूं आप सब लोगों को फेसबुक का या ये आपकी यूट्यूब, व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप में सबका नाम बदल चुका है, मेटा बन चुका है। मेटा क्या है? ये वेब थ्री का न्यू वर्जन है। कहा जाता है फेसबुक का मालिक को ये पता था, जब 2000 से 2000 के बाद वेब टू टेक्नोलॉजी आया, जितने लोगों ने, जितने मालिक सब टेक्नोलॉजी में आए, तो वो लोग आज अरबपति हो गए। विद इन 10 ईयर्स के अंदर वो बहुत सारे पैसा कमाए। लेकिन उन्हीं लोगों को ये भी पता है आने वाले 10 साल में ये जितना पैसा कमाए उससे कहीं गुना, 100 गुना ज्यादा पैसा वेब थ्री टेक्नोलॉजी से कमाएंगे। इसीलिए धीरे धीरे सारे टेक्नोलॉजी अब वेब थ्री पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। लेकिन अभी जानते हैं वेब थ्री हमारे लिए क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उससे पहले हम जानते हैं वेब थ्री टेक्नोलॉजी में है क्या, इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है। ये दिख रहा होगा, आप पढ़ सकते हैं या अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये गूगल में जाके आप सर्च करना कि वेब थ्री टेक्नोलॉजी, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेब थ्री टेक्नोलॉजी, तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। सबसे पहला वेब थ्री टेक्नोलॉजी का जरूरत है ब्लॉकचेन। विदाउट ब्लॉकचेन वेब थ्री टेक्नोलॉजी यूजलेस। उसके बाद उस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए जो करेंसी यूज होता है, दैट इज क्रिप्टो करेंसी। आपने क्रिप्टो के बारे में नाम भी सुने होंगे, लेकिन क्रिप्टो इज द पार्ट ऑफ वेब थ्री टेक्नोलॉजी। क्रिप्टो सब कुछ नहीं है, क्रिप्टो ओनली द पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन्स, मेटावर्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डीफाई, डिसेंट्रलाइज स्टोरेज, ये सारे जो पार्ट है ये सारे हमारी वेब थ्री टेक्नोलॉजी का पार्ट है। मैं एक एक करके ब्रीफली आपको बताऊंगा, अगर ये करेंगे तो उसमें समय ज्यादा लग जाएगा, डिटेल में जाएंगे, तो मैं खाली ब्रीफली आपको बताता हूँ। सबसे पहला ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या है? ये एक ऐसे टेक्नोलॉजी है, ये डिसेंट्रलाइज प्रोसेस से चलता है, और सबसे अच्छी बात क्या है, ये कुछ डाटा स्टोरेज करता है, डाटा प्रोसेस एंड स्टोरेज करता है। लेकिन ये जो डाटा प्रोसेस एंड स्टोरेज करता है, इसके लिए भी बहुत सारे ब्लॉकचेन के अलग अलग कैटेगरी है किस तरीके की ब्लॉकचेन है, लेकिन ब्लॉकचेन बहुत फास्ट प्रोसेस करता है और बहुत सिक्योर डाटा है। आज भारत सरकार की बहुत सारे डाटा, गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है। कहा जाता है 2025 से 2030 के बीच में मैक्सिमम गवर्नमेंट डाटा ब्लॉकचेन में आ जाएगी। मुकेश अंबानी जी अपने जियो की डाटा के लिए ब्लॉकचेन बना रहे हैं। अलग अलग कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जितने भी है, चाहे वो इंफोसिस हो, एचपी हो, एससीएल हो, वो सारे अपने ब्लॉकचेन बना रहे हैं अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि यहाँ मैनिपुलेट नहीं होता, डाटा करप्ट इतना जल्दी नहीं होता, और डाटा को कोई छेड़ाछेड़ी नहीं कर सकता। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है ब्लॉकचेन के अंदर। लेकिन ब्लॉकचेन काम कैसे करता है? कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसकी एक ट्रांजेक्शन जो होता है, और ट्रांजेक्शन जैसे ही एक ट्रांजेक्शन बनता है, जैसे आप बैंक में ट्रांजेक्शन करते हो, तो क्या होता है, एक ट्रांजेक्शन आपने पेमेंट किया तो ये पेमेंट डेबिट हुआ आपके अकाउंट से, उसके बाद एक गेटवेज के माध्यम से वो दूसरे बैंक में चला जाता है, तो ये एक ट्रांजेक्शन है। लेकिन इन दोनों की डाटा अलग अलग बैंक के पास है, बैंक इस डाटा को छेड़ाछेड़ी कर सकता है, बट ब्लॉकचेन में ये पॉसिबल नहीं है। ब्लॉकचेन में कुछ डाटा, जैसे 5 सेकंड में एक ब्लॉक बनता है, डिपेंडिंग अपॉन द ब्लॉकचेन, अगर कोई ब्लॉकचेन में 5 सेकंड में ब्लॉक बनता है, तो 5 सेकंड में जितने ट्रांजेक्शन होगा वो एक ब्लॉक बन के आगे चला जाता है। तो इसका मतलब एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से, नोड कहते हैं उसको, अलग अलग ब्लॉक से वो लिंक रहता है, जिसका कोई सर्वर नहीं होता कि एक ही जगह कोई प्रोसेस होता है, तो ब्लॉकचेन में डाटा प्रोसेस होता है। ब्लॉकचेन की लेकिन कैटेगरी जानना है तो टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन जानना बहुत जरूरी है। ये भी मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ कि ब्लॉकचेन तो नाम सुने होंगे, लेकिन ब्लॉकचेन है कितने तरीके की होता है, 3 तरीके की मेजर होता है। सबसे पहले पब्लिक ब्लॉकचेन। पब्लिक का मतलब ये पब्लिक के लिए ओपन है। आपकी आईसीआईसीआई में बैंक है, वहां कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो आप देख नहीं सकते, क्योंकि वो आईसीआईसीआई का पर्सनल डाटा है। बट पब्लिक ब्लॉकचेन में अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है, कोई भी प्रोजेक्ट पब्लिक जाके उस ब्लॉक को चेक कर सकता है, ट्रांजेक्शन को देख सकता है कि इस एड्रेस से इस एड्रेस में गया, छेड़ नहीं सकता या डिस्टर्ब नहीं कर सकता, लेकिन देख सकता है। ये है पब्लिक, पब्लिकली जो यूज करते हैं उसको कहा जाता है पब्लिक ब्लॉकचेन। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो प्राइवेट ब्लॉकचेन होते हैं, जो नेक्स्ट है। प्राइवेट ब्लॉकचेन में क्या है, किसी ना किसी की ऑथोरिटी रहता है, उसकी कंट्रोल रहता है, इसको परमिशन रहता है। इसमें लिखा है, पहले आपने देखे होंगे, नंबर वन परमिशन लेस, मतलब यहाँ कोई परमिशन की जरूरत नहीं, कोई भी इंसान पब्लिकली जा सकता है, बट यहाँ पे परमिशन चाहिए उस ब्लॉकचेन में एंटर करने के लिए। और जैसे कि प्राइवेट कंपनी अपने या प्राइवेट चीजें कोई भी, जैसे भारत सरकार की गवर्नमेंट डाटा है, तो अगर वो पब्लिकली रख देगा तो कोई जाके उसको देख सकता है, लेकिन अगर वो प्राइवेटली करेंगे तो उस डाटा को कोई जा नहीं सकता। जैसे हमारी सिक्योरिटी आर्मी के डाटा रहते हैं, तो वो सारे परमिशन भी है, वो है प्राइवेट डाटा। लेकिन अगर चार पांच कंपनी मिलके एक ब्लॉकचेन बनाते हैं, तो
तो उसको कहते हैं कंसोर्टियम डाटा, वो ग्रुप ऑफ कंपनीज के पास रहता है। जैसे इंफोसिस है या टाटा के ले लीजिए, टाटा कंपनी नाम सुनने में टाटा के बहुत सारे ग्रुप है, तो वो अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग ब्लॉकचेन ना बना के वो एक ही ब्लॉकचेन के अंदर अलग अलग ग्रुप की, टाटा की अलग अलग ग्रुप की डाटा रख रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है कंसोर्टियम। तो इसका मतलब वहां पे एक ग्रुप का परमिशन, जिस कंपनी के पास परमिशन है वही कंपनी इसके अंदर एंटर कर सकती है। मेरे हिसाब से मैं इतना समझा पाया, लेकिन तीसरा वाला में और इंटरेस्टिंग है जिसको हाइब्रिड कहते हैं। हाइब्रिड क्या है, उसमें पब्लिकली मतलब लोग पब्लिकली भी जा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर प्राइवेट भी आप बना के अपने परमिशन को अपने अंदर अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। तो ये है आपकी प्राइवेट और पब्लिक की दोनों की कॉम्बिनेशन को कहा जाता है हाइब्रिड ब्लॉकचेन। आपके पास कोई भी ब्लॉकचेन रिलेटेड कोई आएगा तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि कौन सा ब्लॉकचेन है, किस टाइप का ब्लॉकचेन है। तो यहां तक अगर आपको समझ आ गया तो मैं चाहूंगा आपको, तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ लेकिन आप चार्ट में यस लिखिए ताकि हम आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं आप यस लिखेंगे तो यस यस अमन अमर कुमार वीरेंद्र चौहान, अच्छा यस यस रवि अभी सिंह, वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, वेरी गुड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये तो खाली जस्ट बिगिनिंग है, मैं आपको ब्रीफ बता रहा हूँ। जब इसके अंदर आप और डिटेल में जाएंगे तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये फ्यूचर, जो लोग इसके ऊपर काम करेंगे अभी और इस इंडस्ट्री को समझेंगे वो आने वाले समय पर राज करेंगे, क्योंकि ये आज की डेट में मैं केवल बोल रहा हूँ 2 से 3% लोगों को पता है, नाम सब लोग सुने हैं। इसका मतलब नाम सुन रहे हैं मतलब धीरे धीरे ये आगे जाएगा। जैसे जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग हो या कोई भी कंसेप्ट आता है तो हम नाम तो जानते हैं लेकिन उसकी डिटेल नहीं जानते। मुझे याद है जब पेटीएम आया था तो मैं पेटीएम पेटीएम तो सुनता था लेकिन पेटीएम क्या है मुझे नहीं पता था, तो हम एक दूसरे से बात करते यार ये पेटीएम क्या होता है, तो एकदम जब नाम आया लेकिन हमें पता नहीं था तो हम इतने सीरियसली नहीं लिए, तो 2 साल 3 साल तक हम पेटीएम यूज ही नहीं कर रहे थे। लेकिन आज ऐसे सिचुएशन है कि आज अगर रेडी वाला सब्जी वाला 10 रुपया भी लेता है ना, बोलता भाई साहब पेटीएम कर लो। इसको कहते हैं जब आप ये स्प्रेड होता है, जैसे ये वेब थ्री टेक्नोलॉजी, ये जब स्प्रेड होता है ये विदिन 5 ईयर्स में ये बहुत तेजी से आगे स्प्रेड करता है, एग्जैक्टली जैसे पेटीएम हो अमेजोन ये सब चीजें ग्रो की है। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट। ये एक पहला हिस्सा है वेब थ्री टेक्नोलॉजी का एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट क्या है, वेरियस प्रोसेस ऑफ माइनिंग। ये मैं एक थोड़ा सा इसको भी बता दूं, जो प्रोसेस होता है जो ब्लॉकचेन के अंदर जो ट्रांजेक्शन का प्रोसेस होता है वो 3 टाइप का होता है। पीओडब्ल्यू क्या है, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ अथॉरिटी, ये 3 नियम है। और सबसे पहले जो ब्लॉकचेन शुरू हुआ था प्रूफ ऑफ वर्क से शुरू हुआ था, इसके अंदर जो ट्रांजेक्शन है बहुत ही स्लो होता है, और सबसे बड़ी यहाँ पे जो माइनर होते हैं जो प्रोसेस को वैलिडेट करते हैं उन लोग क्या करते हैं कि आपके पास एक लगारिदम की क्वेरी जाएगा, जो उस लगारिदम को या जो भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व पहले करेगा उसी के पास वो अथॉरिटी चला जाएगा उस ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करने के लिए। और जैसे वैलिडेट करेंगे तो उनको कुछ परसेंट कॉइन मिलता है। इसीलिए बड़े बड़े कंट्री के अंदर अलग अलग छोटे जहाँ पे कंजम्पशन, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन की रेट कम है तो वहां पे बहुत सारे माइनर है। इवन इंडिया में गूगल में आप सर्च करना यूट्यूब में तो हाउ मेनी माइनर्स आर इन इंडिया, तो आपको बहुत सारे वीडियो ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत सारे यूथ आज अपने घर में कुछ कंप्यूटर लगा के माइनिंग करते हैं, तो ये प्रूफ ऑफ वर्क है। उसके बाद प्रूफ ऑफ स्टेक, जिसके पास सपोज करो मैं इथेरियम की ब्लॉकचेन में कुछ करना चाहता हूँ तो इथेरियम की अगर मुझे स्टेकिंग स्टेकिंग ज्यादा रखूंगा, जिसके पास जितने ज्यादा स्टेक होगा उसको वैलिडेट करने के लिए मिलता है। और प्रूफ ऑफ अथॉरिटी क्या है, कुछ ऐसे वैलिडेटर जो रियली फेमस है या जो रियली ट्रस्टवर्थी है तो उनको सिलेक्ट करके कंपनी अलर्ट करता है कि आप लोग ही मेरी जो भी ट्रांजेक्शनों का वैलिडेट करेंगे उसको प्रूफ होगी। ये लेटेस्ट वर्जन ऑफ ये है ब्लॉकचेन, जो लोग इनके पास है ये सबसे अपकमिंग वर्जन है। जैसे हाइब्रिड वर्जन सबसे फ्यूचर ब्लॉकचेन है, ऐसे ही आपकी प्रूफ ऑफ अथॉरिटी फ्यूचर ब्लॉकचेन है। तो ये है ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ। और सेकंड एलिमेंट चलते हैं क्रिप्टो। आप सब लोग नाम तो सुने होंगे, ऐसा कोई नहीं है आज की डेट में क्रिप्टो नहीं जानता, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं है करेंसी आया क्यों। अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताऊं, 2009-2010 में जब हाथवे ब्रदर्स, बड़े बड़े बैंक्स और भी कुछ बैंक्स थे जिनकी इकोनॉमिक क्रैश की वजह से अमेरिका में बैंक क्रैशेस हो गए, बैंक क्रैश हो गए तो बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया। तो उसी समय पे एक ऐसा लड़का जो कंप्यूटर में बहुत एक्सपर्ट था, उसने यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा है क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी बेस्ड में कुछ ऐसे डिजिटल करेंसी लॉन्च किया और अपने ब्लॉकचेन के ऊपर, तो उस बंदे को आज तक किसी ने मिला नहीं, संतोष नागासाकी करके एक लड़के हैं, तो उसने ये बनाया था। लेकिन उसके बाद वो कहाँ गया हम नहीं पता, लेकिन उसने इस करेंसी को केवल छोटा सा आकार में शुरू किया था और केवल लेन देन के लिए कि अगर बैंक आगे कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो मेरा करेंसी मेरा वॉलेट में रहेगा, कोई बैंक डूब जाए कुछ हो मेरी करेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसी सोच के साथ बनाया गया था। फिर धीरे धीरे इसकी ट्रांजेक्शन शुरू हुआ। कहा जाता है 2010 में
कुछ लड़के ने मिलके 10,000 क्रिप्टो